आज का टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये ग्रुप 16 का लास्ट हमारा टॉपिक रह गया था। H2SO4 को या सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी बुलाया जाता है, बिकॉज ये बहुत सारे रिएजेंट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो ये बहुत हर एक ऑलमोस्ट कोई भी हम रिएक्शन कर रहे हैं केमिस्ट्री में, उस सब में हम H2SO4 को यूज करेंगे। सो इसलिए हम इसे क्या बुला रहे हैं, इट इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। इंडस्ट्रियली हम इसे मैन्युफैक्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एज यू कैन सी थ्री स्टेप्स जो है वो इंक्लूडेड है। फर्स्ट स्टेप दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ या मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इट कैन बी डन बाय टू मेथड्स। जो सेकेंड वाला मेथड है जिसमें हम आयरन पाइराइट से, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन पाइराइट से प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज अ बेटर मेथड, क्योंकि वो ज्यादा यील्ड देता है सल्फर डाइऑक्साइड की। ठीक है, सो हम उसमें आयरन पाइराइट्स की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं टू गिव अस Fe2O3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जो फर्स्ट स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है उसकी हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन टू गिव अस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे के पूरे प्रोसेस का। इन दिस स्टेप यू हैव टू टेक केयर कि तीन चीजें हमको देखनी है। एज यू कैन सी कि डेल्टा एच जो है नेगेटिव है, राइट। सो ये वाली जो रिएक्शन होगी, बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो यील्ड ऑफ SO3 रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम वेरी कर देंगे टेम्परेचर तो रिएक्शन इजिली रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में एट लो टेम्परेचर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द VCHAPS प्रिंसिपल। ठीक है, सो फर्स्ट जो कंडीशन हमको इसमें मेंटेन करनी है that is low temperature. The temperature should not be very high. Okay? However, जो temperature हम इसमें देखते हैं, that temperature is kept at around 720 Kelvin. ठीक है? Second, यहां पे reactants में हमारे पास 3 moles हैं, प्रोडक्ट्स में 2 मोल्स हैं, तो VCHAPS प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हाई प्रेशर अगर हम रखेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सो हाई से 3 से 2 में जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो सेकेंड हमारी कंडीशन इसमें क्या होगी, हाई प्रेशर। द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन शुड बी केप्ट हाई। ठीक है, एंड थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। द कैटलिस्ट विच वी यूज ओवर हियर दैट इज वेनेडियम पेंटोक्साइड। सो वेनेडियम पेंटोक्साइड काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें जल्दी मिलेगा। थर्ड स्टेप में हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को 98% H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। थोड़ी सी H2SO4 इसमें यूज होती है, तो 98% H2SO4 के साथ जब हम इसे रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आता है ओलियम। ओलियम का नाम क्या होता है बताना जरा, वो तो फॉर्मूला हो गया ना। एक और नाम जब हमने स्ट्रक्चर्स करे थे तो उसमें हमने लिखता पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सो ओलियम इज ऑल्सो नोन एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ओलियम को फिर हम लोग वॉटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव अस सल्फ्यूरिक एसिड अल्टीमेटली। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास बनता है इसमें थोड़ी सी इंप्योरिटीज भी रहती है, सो इसको जो गैसेस है उसको हम क्या करेंगे, प्योरिफाई करते हैं। गैसेस जो उसमें से वो तो एक्सपेल हो जाएगी, जो H2SO4 बचा उसको हमें डिहाइड्रेट करना है, तो डिहाइड्रेटिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फॉस्फोरस पेंटोक्साइड टू गिव अस द बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4। ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देन नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4।
physical properties. जो sulfuric acid होती है, it is first of all colorless, dense and viscous in nature. Viscous in nature, or it breaks room temperature pe. It exists as an liquid. Because of its viscous nature, it is also known as oil of vitriol. It is also known as oil of vitriol. Then second, sulfuric acid has a strong affinity for water due to formation of hydrogen bonds with water. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है ये वाटर के साथ, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी वाटर में इंक्रीज हो जाएगी. एफिनिटी फॉर वाटर का यही मतलब हो गया, ठीक है. और सेकेंडली इसका H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है. जब भी हम लोग वाटर और H2SO4 को रिएक्ट करते हैं या मिक्स करते हैं, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. The reaction is highly exothermic in nature, as a result of which we always, what do we do? Pani ko daloge acid ke andar? Ki acid ko daloge pani ke andar? Pakka? Kyun? Kyunki wo bahut reactive hota hai, wo mam splash out ho sakta hai agar hum pani ko H2SO4 ke. To jab bhi aapko concentrated ko dilute karna hai, to hamesha acid has to be added to water, not water to acid. ठीक है, सो ऑलवेज फॉर डाइल्यूटिंग एसिड इज एडेड टू वाटर. ठीक है, देन थर्ड प्रॉपर्टीज अगर हम करें, द फोर मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज एसिडिक नेचर. क्यों एसिडिक नेचर? क्योंकि H2SO4 जो है वो इजिली डिसोसिएट करेगा टू गिव एच पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. ठीक है, और इसकी जो Ka वैल्यू होती है दैट इज वेरी वेरी लार्ज. Ka क्या हुआ? डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट या एसिडिक कॉन्स्टेंट बुलाते हैं. लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka, stronger is the acid, right? फिर उसके बाद second step में जो ये HSO4 negative है, ये dissociate हो जाता है into H positive and SO4 negative, और इसका जो Ka value है that is 1.2 into 10 raised to power minus 2. ठीक है, 1.2 into 10 raised to power minus 2. Now you can see over here कि दो different ions यहाँ पे बन रहे हैं. One which is HSO4, जिसको हम लोग bisulfate ion बुलाते हैं, and second is SO42 negative, जिसको हम sulfate ion बुलाते हैं. तो as a result of this, what is going to happen? दो तरह के या दो series of salts भी ये बनाता है. अगर हम H2SO4 को sodium के साथ react करें, तो ये हमें एज यू कैन सी सोडियम बाइसल्फेट दे रहा है. ओके, और अगर हम इसको फर्दर रिएक्ट करते हैं विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, तो ये हमें क्या दे देगा? सोडियम सल्फेट.
ठीक है, so it is giving us two series of salts, sodium bisulfate and sodium sulfate. दो series of salts ये बनाता है, ठीक है? Bisulfate को हम hydrogen sulfate भी बुलाते हैं. Then another character जो इसका बहुत important है, that is the dehydrating nature. The dehydrating nature of H2SO4 is mainly due to what? It is mainly due to strong affinity towards water. इस करके हम किसी भी चीज में से वाटर को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो हम उसको थोड़े से पानी इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर देते हैं एंड दिस सल्फ्यूरिक एसिड टेक्स अवे द वाटर फ्रॉम इट. ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉकिंग ऑफ दिस तो इसमें दो तीन फिनोमिनल है जिसके लिए इसको हम यूज करते हैं. नंबर वन, इट कैन बी यूज फॉर ड्राइंग ऑफ गैसेस, राइट? अगर कोई भी गैस है जिसमें जो भी हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन प्रिपेयर कर रहे हैं या हम नाइट्रोजन प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी गैसेस हम प्रिपेयर करते हैं दे आर कलेक्टेड अंडर वाटर, तो उसमें थोड़ा वाटर अमाउंट वाटर का रह जाता है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट कर देते हैं एंड दैट टेक्स अवे ऑल द वाटर. ठीक है, सेकेंड जो फिनोमिनल है दैट इज नोन एज charring of sugar. हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही हम शुगर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे इमिडिएटली एक ब्लैक सा मास जो है वो बन जाता है. वो ब्लैक मास जो बनेगा दैट इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ वॉटर फ्रॉम शुगर और सिर्फ कार्बन रह जाता है. सो वेन वी आर डूइंग द रिएक्शन this is sucrose. So इस reaction में आप देख सकते हो कि 11 molecules of water निकल गए और ये एक black mass रह जाता है. Right? And this black mass जो रह गया this is known as charring of sugar. Clear हो गया? उसी तरह से जब C2H5OH alcohol के साथ हम react करते हैं तो ethylene dehydration of alcohol takes place to give us ethylene. C2H4 plus H2O. C2H4 क्या हुआ? CH2 double bond CH2. ठीक है? Ethylene that is formed. Clear हो गया? So these are few reactions. फिर उसके बाद जो एक और बहुत important reactions है इसकी that is oxidation reactions. We say that this behaves sulfuric acid behaves as a good oxidizing agent. Oxidizing nature of sulfuric acid. Sulfuric acid क्यों oxidize करता है? Because sulfuric acid easily dissociate होता है into water plus sulfur dioxide plus nascent oxygen. ठीक है,
अब ये जो यहां पे nascent oxygen बन रहा है, ये nascent oxygen responsible है for the oxidation of various metals and non-metals. Mostly non-metals, metals कम है. So, जैसे for example, it oxidizes carbon to carbon dioxide. So, अगर हम reaction लिखेंगे, H2SO4, plus H2SO4, plus carbon, ये दोनों byproducts same होने वाले हैं, H2O plus SO2 plus CO2, ठीक है, carbon dioxide. उसी तरह से, it is going to convert sulfur to sulfur dioxide, right? So, अगर हम H2SO4 की reaction कर रहे हैं, S, तो ये हमें क्या दे देगा? It will give us sulfur dioxide plus water. जो ऊपर वाला reaction इसमें carbon monoxide ही होना चाहिए, इससे आपको 4 है oxygen. Monoxide ही बनाता है, नहीं dioxide बनाता है. Balance कर लो, ठीक है? Balance करके carbon dioxide बनाएगा. Clear हो गया? फिर उसके बाद it converts phosphorus to phosphoric acid. Phosphoric acid का क्या formula है? H3PO4, ortho phosphoric acid, ठीक है? So कितने SO2 आएंगे 10 और water molecules देखो कितने आ रहे हैं 20 12 8 बचा OH2 balanced equation just check right so these are some of the oxidation reactions of this अब metal भी oxidize कर सकता है ये जैसे copper है कॉपर को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा कॉपर सल्फेट प्लस प्लस वाटर सो कॉपर सल्फेट ये हमें हाइड्रोजन क्यों नहीं लिबरेट कर रहा जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बाकी मेटल्स तो जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन देंगे तो ये क्यों नहीं दे रहा हमें हाइड्रोजन? It is giving us sulfur dioxide in water. That is because activity series में copper is less reactive than hydrogen. That is why all those metals जो कि hydrogen से less reactive होते हैं, they all do not give hydrogen when they react with acids. ठीक है? Oxidation reaction ये कैसे हुई? Oxidation number of copper over here is zero. और यहाँ पे कितना आ रहा है? Plus two. So increase in oxidation state that is going to be oxidation, right? Uses लिखो इसके notes के दिए हुए tally करो सिर्फ uses of sulfuric acid as we just said it is known as the king of chemicals reagent की तरह use होता है बहुत सारी reactions में It is used in the fertilizer industry. It is used in the petroleum industry. Refining ke liye. Theek hai? It is used in fertilizer industry. It is used in petroleum industries. It is used in dyes. Dyes banane ke kaam aata hai. Drugs. Paints. इन सबको बनाने के लिए H2SO4 की जरूरत पड़ती है देन इट इज यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री टू मेक मेनी इन्यूमरेबल नंबर ऑफ केमिकल्स
ठीक है और फिर उसके बाद इट इज आल्सो यूज्ड वेयर इट इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सारे के सारे जो है ये इसके इंपॉर्टेंस है राइट इट इज आल्सो यूज्ड इन इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स लाइक डायनामाइट डायनामाइट बनाने के काम भी आता है Okay, with this we finish sulfuric acid and group 16. We go on to the next group, which is group 17. Group 17. Right? Ab group 17 kya hai? That consists of halogens. Halogens hum isko kyu bulate hain? Sea salt produce. Because they are sea salt produce. Especially when they are talking of chlorides and bromides, ये दोनों के दोनों as salts exist करते हैं और sea से मिलते हैं. And mostly all the halogens they are going to be colored. ठीक है? So let's see, fluorine, acetine. Okay? जहाँ पे acetine जो है, that is what? Radioactive. Electronic configuration देखते हैं. Helium. 2p5. Neon. 3s2. 3p5. Argon. 3d10. 4s2. 45. Krypton. 4d10. 5s2. 5p5. And xenon. 4n14. 5d10. 6s2. 6p5. Right? अब इसमें जो फ्लोरीन है दैट इज द 13th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट 13th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट वेयर एज क्लोरीन इज द 20th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट राइट जनरली जो फ्लोरीन है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैल्शियम फ्लोराइड राइट और इसको हम बुलाते क्या है फ्लोराइड ही बुलाते हैं Okay, and it can also be extracted from cryolite. This is known as cryolite. ठीक है? और फिर उसके बाद क्लोरीन जो है उसको हम सबसे easily extract कर सकते हैं from sodium chloride, NaCl. और उसके अलावा कार्बोनाइट इसको हम क्या बुलाते हैं रॉक सॉल्ट कॉमन सॉल्ट भी बुलाते हैं ठीक है और कार्बोनाइट इज अ डबल सॉल्ट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड This is carbonite, right?
2 8 6 है 6 water of crystallization ओके और फिर उसके बाद आ गया कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड से भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो ब्रोमीन है वो बहुत ही कम है इट्स फाउंड इन ट्रेसेस और जितने भी ब्रोमाइड्स हैं KBr हो गया NaBr हो गया MgBr2 हो गया उन सब से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओके नाउ व्हेन वी गो ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 सो वी हैव डन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द सेकंड प्रॉपर्टी इज एटॉमिक साइज हैलोजन्स जो है they are the smallest elements in the entire periodic table inka size jo hai wo sabse chota hai however jab hum fluorine se acetine pe jayenge to size that will keep on increasing due to introduction of a new principal shell so fluorine ka size sabse chota आयोडीन तक की पढ़ाई करनी है एस्टेटाइन जो है दैट इज रेडियो एक्टिव सो वी डू नॉट स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टेटाइन ठीक है थर्ड आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम Amongst all the elements of the periodic table, the halogens have the highest value of ionization energies. ठीक है? सबसे ज़्यादा ionization energies इसकी है, because सबसे छोटा size जो है वो इसका है. फिर उसके बाद ionization energies will keep on decreasing down the group. Fluorine की सबसे ज़्यादा chlorine, bromine and iodine. ठीक है? फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रॉन गेन इन एंथैल्पी एज वी कैन सी ओवर हियर कि इस सारे में आउटमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सबको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए सो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इन एंथैल्पी होती है अगेन इट इज मोस्ट नेगेटिव most negative amongst all the elements of the periodic table ठीक है यहाँ पे जो fluorine है उसकी electron gain enthalpy सबसे ज़्यादा होनी चाहिए but on the contrary fluorine की सबसे ज़्यादा होती है और फिर उसके बाद it will keep on decreasing फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों कम है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाते हैं और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो अपने अंदर आने नहीं देता या रिपेल करता है सो इजिली हम एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते ठीक है फिर उसके बाद फिफ्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Tendency of any element to attract the shared pair of electrons towards itself. They are the most electronegative elements of the periodic table. Or in other words, we can say they have the highest value of electronegativity. ठीक है? Now because of high value of electronegativity, क्या होगा? इसके जितने भी covalent bonds बनेंगे, वो सारे के सारे polar बनेंगे. Okay? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ड्यू टू स्मॉल साइज है स्मॉलेस्ट साइज न्यूक्लियस के पास रहता है आउटरमोस्ट शेल तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज जो आउटरमोस्ट शेल के ऊपर है वो ज्यादा रहता है और जब भी ये बॉन्ड करेगा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसमें टेंडेंसी रहती है अट्रैक्ट शेयर पेयर को अपनी तरफ को खींचने ठीक है अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइएस्ट तो हम बोल रहे हैं पर जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे साइज बड़ा होता जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती रहेगी सो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ब्रोमीन एंड आयोडीन राइट
a periodic table में जो halogens हैं, they are one of the most reactive compounds after alkali metals. बहुत ही ज़्यादा reactivity इनकी है, just because of कि इनको octet complete करने के लिए सिर्फ एक ही electron चाहिए. All of them they are non-metals, because a longer period जब हम travel करते हैं, तो non-metallic character increase करता है. ठीक है, so ये क्योंकि last है noble gases से पहले, तो ये सबसे ज़्यादा non-metallic group है periodic table. It does not have any tendency to attract electrons. Give away electrons, to remove electrons. ठीक है, क्योंकि ये donate नहीं करता, तो it will not have any electropositive character. और क्योंकि electropositive character नहीं है, तो metallic हो ही नहीं सकता. It has a tendency to accept electrons. Therefore ये क्या है? It is electro negative भी है and it is the most non-metallic in nature. However, iodine जो है वो एक छोटी सी property जो metals की show करता है, that is luster. It is shiny, right? But otherwise iodine also behaves as a non-metal only. So all of these they are going to be non-metals, right? जब हम इसकी trend करते हैं reactivity की, so let's see why it is very very reactive. Chemical reactivity, right? As we just said कि fluorine जो इसका है, halogens all together are very very reactive, but हम एक statement डालते हैं. Fluorine is the most reactive of all halogens. Most reactive of all halogens. क्यों ये सबसे ज़्यादा reactive है? It is very reactive due to the following reasons. First जो reason है, that is low dissociation enthalpy. Dissociation enthalpy. Dissociation enthalpy का मतलब क्या हुआ? कि जैसे हम fluorine को जब dissociate करने की कोशिश करते हैं into its atomic forms, तो fluorine की dissociation enthalpy is 158.8 kilojoules per mole. Right? जब हम नीचे की तरफ जाते हैं chlorine, chlorine की approximately 242.8 kilojoules per mole है, okay? उसके बाद bromine की 192.8, iodine की 151.1, okay? So जब आप यहाँ पे trend देखो क्या हम follow कर रहे हैं, fluorine से chlorine bond association enthalpy increase हो रही है, फिर उसके बाद decrease हो रही है, फिर उसके बाद और decrease हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? Fluorine का size तो सबसे छोटा है, उसकी bond length भी सबसे छोटी है, तो bond association enthalpy तो उसकी बहुत high होनी चाहिए, क्योंकि bond parameters हमने 11th में यही पढ़े हैं कि bond association energy जो है, that is inversely proportional to bond length. अब bond length fluorine की सबसे छोटी है, तो bond dissociation energy इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, हालांकि इसकी जो है वो सबसे कम है. That is the reason is again due to repulsions. Repulsions जो इसमें होते हैं inter-electronic repulsions due to small size, उसकी वजह से हम fluorine को easily split कर सकते हैं,
okay? So that gives us a reason ki fluorine jo hai wo kyun itna zyada reactive hai. Second, it has high electron gain enthalpy. Right? इसकी वजह से भी हम इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा तो इस करके रिएक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी. ओके, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड reduction potential values. ये हमने पढ़ा हुआ है. जब हम electrochemical series करते हैं या EMF series करते हैं उसमें fluorine को सबसे ऊपर रखा गया, right? ऐसा क्यों है? क्यों होता है reduce? No. Electronegativity has nothing to do with reduction. Electron gain enthalpy has to do with reduction. Electron jaldi gain karke stable. Electron to ye gain karega, par iski humne padhi hai ki electron gain enthalpy ki jo value hai, wo chlorine ki zyada hai. Basically oxidizing nature kya hui? Oxidizing nature ye hui ki aap khud electron le rahe ho, khud reduce ho rahe ho, dusre ko oxidize kar rahe ho. तो जितनी इजिली इलेक्ट्रॉन एक कोई भी एलिमेंट लेगा वो उतनी इजिली दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है. क्लोरीन ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करता है अपने शेल में, तो फिर तो अकॉर्डिंग टू दैट क्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए था. तो क्लोरीन क्यों है? इट इज सेड कि जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है कि कितनी इजीली एक इलेक्ट्रॉन किसी भी उस पे शेल में इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. ओके, जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी. सो यू कैन राइट डाउन दैट ऑक्सीडाइजिंग नेचर अकॉर्डिंग टू बॉर्न-हेबर साइकिल will depend upon three things. The first, that is dissociation enthalpy. Second is electron gain enthalpy. And third is hydration enthalpy. Right? So in tino chizo ka delta H jab hum reaction se calculate karenge of the reaction. So delta H, that should be the sum of all these three. Half of dissociation energy plus right? अब dissociation enthalpy fluorine की कम है. इलेक्ट्रॉन हम comparison कर रहे हैं between fluorine and chlorine. ठीक है, इलेक्ट्रॉन gain enthalpy fluorine की ज्यादा है. और hydration enthalpy जब हम देखते हैं तो hydration enthalpy भी fluorine की ज्यादा होती है. Low bond dissociation enthalpy because of weak FF bond. Very high enthalpy of hydration because of smaller size of F negative ion. So, जब हम add करेंगे, ये positive होती है, ये negative होती है, ये negative या positive कुछ भी हो सकती है. ठीक है? अब अगर ये positive है, ये negative है,
तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए फॉर द रिएक्शन टू बी स्टेबल. जितनी ज्यादा डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू उतनी स्टेबल रिएक्शन होगी. ये पढ़ा है हमने क्लास 11 में, ठीक है ना. सो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी इसकी पॉजिटिव में है वो कम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी नेगेटिव में है वो भी कम नेगेटिव है, पर हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव में है और उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है. तो जब हम इसका टोटल इफेक्ट इन तीनों का देखते हैं तो यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो काफी नेगेटिव आती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोरीन. सॉरी एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोरीन. देयरफॉर फ्लोरीन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. समझ में आ गया, इज इट क्लियर. जितना छोटा साइज होगा उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होगी. तो फ्लोरीन एफ नेगेटिव का साइज सबसे छोटा है इसलिए उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हुई, ठीक है. अगर फिगरेटिवली आप देखना चाहते हो तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो है कितनी दी हुई है 158.8. तो हाफ ऑफ एसोसिएशन एंथैल्पी कितनी आ जाएगी 79.4 आ जाती है, ठीक है. और इलेक्ट्रॉन वेरास क्लोरीन की अगर आप देखोगे, ये हम फ्लोरीन का देख रहे हैं, क्लोरीन की अगर आप देखते हो तो इट इज 142 है ना. राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है फ्लोरीन की दैट इज -333. -349, ओके. और जो हाइड्रेशन है दैट इज -515. इससे बहुत ज्यादा फर्क है आप देखो, -381. ओके, सो नेट इफेक्ट जब हम देखते हैं तो फ्लोरीन की -769 आ जाती है डेल्टा एच. -769, whereas जो क्लोरीन की डेल्टा एच की वैल्यू है दैट कम्स टू -609. सो जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो ज्यादा एनर्जी दे रहा है, और अगर वो ज्यादा एनर्जी बाहर को फेंक रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है. सो हैव यू अंडरस्टूड नाउ कि क्यों फ्लोरीन जो है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन क्लोरीन. ऑल्दो फ्लोरीन की ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑल्दो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है दैट इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन, ठीक है. क्लियर हो गया, ओके. देन नेक्स्ट वी गो ऑन टू रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन. ये छोटा सा टॉपिक है, मुझे थर्सडे में चैप्टर का ओके. द नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन. Formation of hydrides. ये सारे के सारे हमने already discuss करे हुए हैं, इसलिए it will finish in no time. Hydrides ये बनाता है of the type HF, HCl, HBr and HR, right? ये चार हाइड्राइड्स बनाएगा. नंबर वन, फिजिकल स्टेट जब हम देखते हैं तो HF exists as a liquid. HF exists as a liquid.
whereas baki sare gases hai, that is because of formation of hydrogen bonds. Due to formation of hydrogen bonds. अब क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है तो क्या होगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे तो इसलिए ये एग्जिस्ट कर रहा है एज अ लिक्विड ओके बाकी सारे के सारे एग्जिस्ट एज गैसेस सेकंड बॉइलिंग पॉइंट्स हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स साइज के साथ इंक्रीज करते हैं राइट So boiling points when we are talking of HF का boiling point सबसे कम होना चाहिए पर HF का boiling point HCl से ज़्यादा है और फिर उसके बाद boiling points increase करते हैं larger value of boiling points of HF is again due to formation of hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की वजह से HF एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें ठीक है सो इट एग्जिस्ट एज एन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल नेचर ऑफ बॉन्ड जब हम करते हैं Strongest bonds are present in HF. Nature of bonds. Stronger bonds are present in HF. क्योंकि chlorine का size बहुत छोटा है, highly electronegative है, इसलिए HF जो है बहुत ही strong bond एक दूसरे के साथ बनाता है. तो जब हम बॉन्ड में करेंगे तो हम बोलते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो HF की सबसे ज्यादा है ओके सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HF की सबसे ज्यादा फिर उसके बाद HCl HBr HI रीजन साइज बड़ा होता रहेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होती रहेगी और अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी होती रहेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती चली जाती है ठीक है सो HF has the strongest bonds इसी के बेसिस पे नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दैट व्हिच इज नोन एज थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड लेंथ के ऊपर या बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है ना सो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या ट्रेंड फॉलो करेगा HF सबसे ज्यादा स्टेबल फिर HCl फिर HBr फिर HI यही होगी इसकी स्टेबिलिटी ठीक है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑपोजिट थर्मल स्टेबिलिटी इज ओके सो HF जो है वो उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम फिर HCl HBr एंड HI ठीक है एंड देन सिक्स्थ एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है The ease with which hydrogen can be liberated और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी अगेन ऑन थर्मल स्टेबिलिटी जितनी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम होगी उतनी इजिली हाइड्रोजन लिबरेट होगा सो एच आई इज द मोस्ट एसिडिक एंड एच एफ इज लीस्ट एसिडिक ठीक है Is it clear?